भारत माता की जय। मोस्ट वेलकम आपका इस धमाकेदार न्यू एपिसोड में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फिल्म बैड बॉय से नामिशे चक्रवर्ती व अमरीन प्रेशी ने बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया है और फिल्म बैड बॉय ने सिनेमा ग्रो में 7 डेज पूरे कर लिए हैं। तो दोस्तों, फिल्म बैड बॉय ने इन 7 डेज के अंदर बॉक्स ऑफिस पे कितनी कमाई की है जानेंगे बिल्कुल रियल प्रूफ के साथ में। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस पे इस तरह के धमाकेदार वीडियो आते रहते हैं। इसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिल्म बैड बॉय व बैड बॉय के ट्रेलर ने आने से पहले जिस तरह से पब्लिक के बीच में क्रेज व हाइप क्रिएट किया था और साथ ही में फिल्म के अंदर सुपरस्टार मिथुन दास, जॉनी लीवर व राजपाल यादव जैसे फिल्म में धमाकेदार स्टार कास्ट का होना, इन सब मसालों को देख कर ऐसा लगता था कि नामिशे चक्रवर्ती व अमरीन प्रेशी अपनी पहली ही फिल्म से बॉक्स ऑफिस को एक सुपरहिट फिल्म देने वाले है। दोस्तों मैं आपको बता दूं फिल्म बैड बॉय के बारे में, फिल्म बैड बॉय के जो 7 डेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में रिपोर्ट आ रही है वो काफी आश्चर्यचकित करने वाली है। जी हाँ, वैसे तो हमने कई सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा कि जो फिल्म बैड बॉय के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, पर सच कुछ और है। फिल्म बैड बॉय ने सिनेमा ग्रो के अंदर 7 डेज पूरे करने के साथ में ही करीब 4 करोड़ से लेकर 5 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, जो कि काफी निराशाजनक है। दोस्तों क्या रीजन हो सकता है फिल्म बैड बॉय का इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना? भी अच्छी नहीं है या फिर फिल्म को स्क्रीन कम मिले हैं? आपकी राय क्या है प्लीज कमेंट में जरूर शेयर करें। इन सब के बावजूद फिल्म बैड बॉय को लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी के रिएक्शंस आना ने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, फिल्म बैड बॉय को देखने के बाद सनी देओल ने कहा, कौन सी भी फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मायने नहीं रखता है, चाहे फिल्म सुपरहिट हो या फ्लॉप, मायने ये रखता है कि फिल्म ने पब्लिक के बीच में कैसी छाप छोड़ी है। साथ ही सनी ने कहा, फिल्म बैड बॉय के बारे में, फिल्म बैड बॉय की स्टोरी इतनी यूनिक है कि यह हर किसी को देखनी चाहिए, जैसा कि सनी देओल ने मीडिया के सामने कहा है। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त और मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में।